भारतीय रेल में बहुत ही जल्द ट्रेनों के आखिर में लगने वाले डिब्बे हटने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत मालगाड़ी से की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये प्रयोग अगर सफल रहा तो पैसेंजर ट्रेनों में भी गार्ड वैन हटाकर वहां नई तकनीक की मशीन लगाई जाएगी। रेलवे को शुरुआत से चली आ रही परंपरा को भारतीय रेलवे बदलने वाली है। रेलवे अब इनमें गार्डों के कोच को हटाकर वहां खास मशीन लगाने जा रहा है। ये मशीन ट्रेन के अंतिम कोच के साथ पिट की जाएगी, जो सिग्नल के जरिए लोको पायलट को सारी अहम जानकारी देती रहेगी। आपको बता दें कि ये काम पहले ट्रेन के आखिरी कोच में ड्यूटी कर रहे गार्ड का होता है। आपको बता दें कि बीते दिनों रेलवे ने ऐसी 5 मशीनों का ट्रायल ईस्ट कोस्ट रेलवे में शुरू किया है। ये मशीनें अमेरिका से मंगवाई गई हैं। शनिवार को इनमें से एक मशीन का ट्रायल किया गया है। ये ट्रायल तलचर से पारादीप के बीच किया गया है। इस दौरान मशीनें सारी जानकारी सही समय पर लोको पायलट तक पहुंचाई और अब इसका ट्रायल और भी बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को EOTT का नाम दिया गया है। ट्रेन का अंतिम कोच इंजन के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। उसे अब सरकार हटाकर उसके स्थान पर मशीनों को लगा कर की गार्ड की नौकरी को खतरे में डाल सकती है, जिसके बाद से गार्ड भी हो सकता है कुछ दिन बाद सड़क पर आए और वो भी प्रदर्शन करें। हालांकि ये चीज़ें अभी ट्रायल बेस पर है और ये अभी तक ज़मीन पर आने की कोई संभावना नहीं है। इस पर अभी सरकार निर्णय नहीं की है, लेकिन अमेरिका से मंगाई जा रही मशीनरी ये बात बताती है कि आने वाले वक्त में इतिहास में ये रेलवे के लिए बड़ा बदलाव होगा, जिसमें पीछे की बोगी में गार्ड की वैकेंसी बंद हो सकती है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके जहां पर मशीनों के ज़रिए अब इस पूरे प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा। जो पहले हमने भी देखा है कि गार्ड जो है पीछे से हरी झंडी दिखाता था, इंजन के मास्टर से लोको पायलट से वो कॉन्टैक्ट करता है, तो वो अब ये चीज़ें हटाने पर सरकार विचार कर सकती है और इससे रेलवे को आय में बढ़ोतरी होगी, यानी गार्ड को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देखना होगा कि सरकार अब इन फैसलों को कैसे लागू करती है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।